हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। मैं चारू आपका स्वागत करती हूँ एग्जाम जर्नल में। आज के इस सेशन में हम ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक टेस्ट एसएससी सीजीएल मेंस का 14 से 15 अक्टूबर के सारे पॉइंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड की है, फेस्टिवल्स है जिसमें ऑल PYQs फेस्टिवल्स के मैंने उसमें कवर कर रखे हैं, जो भी लेटेस्ट आए हुए हैं। 1 घंटे की वीडियो है वो, उसमें आप अगर वो पूरी वीडियो आप लगा लोगे तो एसएससी में जितने भी पेपर होते हैं वो फेस्टिवल रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपका एक भी नहीं छूटेगा। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। यह रहा पहला सवाल। सेक्स स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ये दो बार क्यों लिखा है? खैर, सेक्स स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 3, 1/√2 होता है, 1/2 प्लस 1/2, 1/2, 1/2, 1 होता है, तो इक्वल्स टू 1/3, दैट इज 0.33 विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ ऑल ट्राइंगल्स फॉर्म फ्रॉम द साइड्स 13 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड एक्स सेंटीमीटर, वेयर एक्स इज एन इंटीजर। आपको पता होगा अगर तीन साइड्स हैं ए बी सी तो उसका फॉर्मेट क्या होता है कि सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन दी थर्ड साइड, और सॉरी, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन टू साइड्स द थर्ड साइड एंड दी सम ऑफ टू साइड्स शुड बी लेस देन द थर्ड साइड। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये इसकी कंडीशन होती है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 20 माइनस 13 से एक्स जो है और 20 प्लस 13 में लाई करेगा, तो यानी एक्स की वैल्यू 7 से 33 के बीच में होगी, यानी 8 से लेकर 32 तक होगी। तो देयरफॉर टोटल वैल्यूज कितनी हुई एक्स की? ये हुई 32 माइनस 8, दैट विल गिव यू 24 प्लस 1, दैट इज 25 साइड्स विल बी योर आंसर। ठीक है, आपको पता होगा काउंटिंग का फॉर्मूला फॉर्मेट क्या होता है, ए माइनस बी प्लस वन। ठीक है, तो ये आ गई टोटल वैल्यूज एक्स, 25 साइड्स। अब मिनिमम पेरीमीटर वैल्यू क्या होगी? ये होगी आपकी 13 प्लस 20 प्लस लोएस्ट वैल्यू एक्स की क्या होगी? 8 प्लस 8, दैट विल गिव यू 33 प्लस 8 विल बी 41 सेंटीमीटर। तो उसके बाद सारी जो होंगी एपी में पेरीमीटर्स होंगे सारे। ठीक है, इस वजह से हम इनका समेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें सम चाहिए सारे पेरीमीटर्स का। तो एपी का सम लगाएंगे, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, एन की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ये हमने निकाली है 25, और डी की वैल्यू क्या आएगी, हर एक के बाद एक एक सेंटीमीटर के इंक्रीमेंट पे, तो डी की वैल्यू आई 1, और ए हमने निकाल लिया फर्स्ट जो पेरीमीटर आया है दैट इज 41। बस अब इनको वैल्यूज को पुट कर देते हैं, 25/2 इंटू 41, 2a प्लस एन माइनस वन, 2a होगा, 41 इंटू में 2 प्लस एन माइनस वन यानी 24 इंटू 1। ठीक है, ये आपको देगा 25/2, 2 4 8 प्लस 24, दैट विल गिव यू 25/2 इंटू में 6 106, 2 से जाएगा, 2 5 10, 2 3 6 एंड 25 इंटू 53 करेंगे हम, 25 3 75, 7 ऊपर कैरी हुआ, 25 5 125 प्लस 7, दैट इज 1325 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स ए एंड बी, बी सिक्योर्ड 44% ऑफ वैलिड वोट्स होल्ड एंड लॉस्ट द इलेक्शन बाय 576,300 वोट्स। बी ने 44% सिक्योर किया, तो यानी ए ने कितना सिक्योर किया होगा, 56% वोट्स, और बी कितने से हारे, वो हारे 576,300 वोट्स से, यानी लॉस्ट बाय 12%। ए माइनस बी करेंगे और 12% की कितनी वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पे, 576,300, इतना हमें ये पता चला है, ये है वैलिड वोट्स में। ठीक है,
इफ 71660 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड 8% पीपल डिडंट कास्ट देयर वोट, देन द नंबर ऑफ पीपल हु डिडंट कास्ट देयर वोट इज, आपको बताया कि 71660 जो है उनमें से वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो अभी हमारे टोटल वोट्स निकालने वाले, ठीक है? तो वैलिड वोट्स कितने हैं, ये आएंगे आपके 576300 डिवाइडेड बाय 12, तो दैट विल गिव यू 12 फोर 48, 96, तो 12 8 96, 0 कैरी होगा क्योंकि 3 बचेगा फिर 30, तो 12 2 24, 60, 12 5 60 और इनटू में 100 क्योंकि 100% निकालने, तो 480250 विल बी योर वैलिड वोट्स, ठीक है? अब इस पे आपको कहा है कि 71660 वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड 8% डिड कास्ट देयर वोट, 8% अगर 100% वोट है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है, तो यानी 8% ने नहीं कास्ट किया प्लस 92% ने अपना कास्ट किया। अब इस 92% में आपको क्या दिया है, हमने वैलिड वोट्स निकाल लिए प्लस इनवैलिड, ठीक है, जिन्होंने कास्ट किए, तो 92% की वैल्यू हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आएगी, ये आएगी 480250 प्लस 71660, ठीक है? तो ये आपके 92% वोट्स आ गए, इसको सम कर लेते हैं, ये कितना आएगा, आएगा आपका 160474, ठीक है, ये आपके 92% की वैल्यू आ गई। फिर आपको निकालना है, अगर ये 92% की वैल्यू है तो 8% वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 487460 डिवाइडेड बाय 92 इंटू में 8, ठीक है, ये आपके 8% की वैल्यू आएगी क्योंकि 100-100 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, और दीज विल बी द पीपल हु डिडंट कास्ट देयर वोट, ठीक है? सो दिस विल गिव यू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 से जाएगा पहले, 4 2 8, 4 2 8, 4 3 12, और 23 से इसे कट कर लेते हैं, तो ये आएगा 23 2 46, 27, 23 1 20, फिर 4 बचेगा 44, फिर 1 से जाएगा 23, 44 माइनस 23 विल गिव यू 21, एंड दिस विल गिव यू 211, तो 23 से डिवाइड कर रहे हैं अभी हम, 211, फिर से 211 आके 9 से जाएगा वो, फिर 2 से एंड देन 0 इंटू 2, सो दैट मीन्स 8% डिडंट कास्ट देयर वोट की वैल्यू क्या आएगी, 2 2 4, 2 9 18, 1 2 1 1, 3 2 1 2, 2 2 4, 423840 विल बी योर आंसर, ये कहाँ है, 428340, हाँ दिस विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, इफ 19 इज प्राइम देन इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, नहीं ये गलत है, अगर स्क्वायर कर दोगे आप तो उसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स वो नंबर और उसके अलावा और भी फैक्टर्स बन जाएंगे ना, तो इस वजह से इट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है? सेकेंड इज ओनली 5 कंपोजिट नंबर्स लाई बिटवीन 100 to 111, वन हंड्रेड वन आपका एक प्राइम नंबर होता है, 103 आपका प्राइम नंबर होता है, 107 आपका प्राइम नंबर होता है, 109 भी आपका एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है? और यहाँ से फिर उसके अलावा आपके कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से बचे जो प्राइम नंबर्स नहीं है, तो ये आए 102, 104, 105, 106, 108 एंड 110, तो 1 2 3 4 5 6, ओके, तो 6 कॉम्पोजिट नंबर्स आ रहे हैं, 3 और 3 6, बिटवीन 100 एंड 111, तो ये भी गलत हो गया, तो नन ऑफ देम इज ट्रू विल बी योर आंसर, आप बताइएगा ये सही किया है कि नहीं।
आगे चलते हैं। इन एन ओवर 20 मैच द रिक्वायर्ड रन रेट टू विन इज 6.2। इफ द रन रेट इज 7 एट द एंड ऑफ 16 ओवर देन द रिक्वायर्ड रन रेट टू विन द मैचेस, इसे हम एलिगेशन से कर सकते हैं सिंपल, विनिंग के लिए हमें 6.2 चाहिए, 7 हमारा ऑलरेडी है, हमें पता नहीं ये वाला हमें निकालना है। 7 कितने में कर लिया हमने, 16 में, और रिमेनिंग 4 ओवर में हमें निकालना है। तो यानी 4:1 का रेशियो ये आपका आ गया है। कन्वीनियंस के लिए हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 70 आ गया। तो 70 - 62 8, 1 की वैल्यू 8 है, तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 8 4 32। ठीक है, अब 62 एंड 32 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका 30 आएगा, क्योंकि हमने 10 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रखा था, तो ये डिवाइड बाय 10 होगा, तो देयरफॉर रन रेट कितना आएगा आपका, 3 विल बी योर आंसर। अब बताइएगा ये सही किया कि नहीं। नेक्स्ट, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 561 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 10.5 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 22/7। आर एल की वैल्यू 10.5 इक्वल्स टू 561 आपको दे रखा है, आपको आर की ही वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं। ये 11 से जाएगा, 11 5 55, 11 1 11, 2 5, फिर 5 21, 7 से 3, 3 से 3 1 3, 7 से 21, देयरफॉर आर की वैल्यू आ गई 17 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का, ठीक है, इफ द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर द रेशियो 14:11 रिस्पेक्टिवली देन व्हाट इज द पेरीमीटर। पेरीमीटर रेक्टेंगल क्या क्या होता है, 2 × l + b, और रेशियो क्या दे रखा है हमें, 2 × 14x + 11x से, ठीक है, दैट इज 2 × 25x, यानी इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 50x। ठीक है, अगर यहाँ से हम देखें 50 का मल्टीपल होना चाहिए, अगर क्वेश्चन में पहले आप देख लो 50 का मल्टीपल कौन सा बन रहा है, तो आपका सिर्फ डी बन रहा है मोस्टली, तो ये आंसर होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम कम है एग्जाम के टाइम पे, तो आप इसे मार्क करें फटाफट, मार्क फॉर रिव्यू डालें, आंसर सेलेक्ट करके मार्क फॉर रिव्यू डाल दें और आगे बढ़ जाएं, जिससे अगर आपके पास टाइम बचे तो आप इसको फिर से एक बार कैलकुलेट करके क्रॉस वेरीफाई कर लें कि आपने सॉल्व किया है कि नहीं। ठीक है, और फुल मेथड जो ट्रेडिशनल है उससे जाते हैं अब हम। रेक्टेंगल का एरिया और सर्कल का एरिया बराबर दे रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ 22/7 आर स्क्वायर इक्वल्स टू l × b, 14 × 11 x², ठीक है, 3, ठीक है, और 7 2 7 3, ये 11 22 कैंसिल, तो देयरफॉर x की वैल्यू आपकी आ गई 3। तो पेरीमीटर कितना आ गया, 50 × 3, दिस विल गिव यू 150 सेंटीमीटर एज योर आंसर। आगे चलते हैं। इफ m³ + n³ + o³ - 3 m n o इक्वल्स टू 510 एंड m + n + o इक्वल्स टू 51, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m - n² + n - o² + o - m² इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको वही लगाना है। क्या फॉर्मूला होता है, a³ + b³ + c³ - 3 a b c इक्वल्स टू हाफ ऑफ a + b + c इंटू में a - b² + b - c² + c - a² ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, 510 इक्वल्स टू 1/2 a + b + c, यानी m + n + o की दे रखी है वैल्यू 51 इंटू में, इसको से x ले लेते हैं, ठीक है, कन्वीनियंस के लिए इंटू में आपका आ गया x, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 51 से 51 कैंसिल, देयरफॉर x की वैल्यू 20 विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। इन अ सिटी 60% आर मेल एंड द रेस्ट आर फीमेल। इफ 30% ऑफ मेल्स एंड 20% ऑफ फीमेल्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अगर 100% पॉपुलेशन में है, तो उसमें 60% आपके मेल हैं एंड 30% आपकी फीमेल्स हैं, जिसमें 60 का 30%
यानी 60 का 3/10, तो 60 का 3/10 कितना होगा? 18 जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, और बाकी बचे भी कितने हो गए, ये आपके आए 42 जो कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। ये मेल्स की बात हो रही है, यहाँ पे फीमेल्स की। सिमिलरली फीमेल्स 20%, यानी 1/5 ऑफ 30 अगर देखें तो ये आएगा 6 जो हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, एंड रेस्ट जो आपकी आएंगी 24 वो आपकी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, आपको बताना है परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो ये आएगा 42 + 24 दैट इज 6, 66% विल बी योर आंसर। आगे, अ शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ द चेयर एट 3000, ठीक है, एमपी 3000 दे रखा है। अ पर्सन गेट्स द चेयर आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली, तो यानी टोटल डिस्काउंट आपका कितना हुआ, 10 और 20 का सक्सेसिव कितना होता है, -10 × 20/100 -2 दैट विल गिव यू 28%। द कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है सीपी 1240, देन द प्रॉफिट अर्न बाय द शॉपकीपर, प्रॉफिट बताना है शॉपकीपर को कितना हुआ है, अमाउंट 3000 पे 72% कितना हुआ ये बताना है। ये आएगा 2 3s are 6 0 एंड 3 7s are 21, तो 2160 की अमाउंट पे बेचा, ठीक है, और कितना प्रॉफिट हुआ है इस पे, यानी 1240 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 और 9, ठीक है, 920 विल बी योर आंसर, 920 रुपये का फायदा हुआ। आगे, द साइज ऑफ द ट्राइंगल आर 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर, देन वॉट इज द एंड रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। मोस्टली इन केसेस में जो ट्राइंगल्स होते हैं वो राइट एंगल्ड होते हैं, ठीक है, और इसमें कैसे होगा मैं बता देती हूँ, ये 12 से जाएगा, अगर 12 3s are 36, 12 4s are 48, 12 5s are 60, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, इन रेडियस आपका होता है पी प्लस बी माइनस एच डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 48 + 36 - 60 / 2 विल गिव यू, ये आपका आएगा 4 7 8 - 60 / 2 दैट विल गिव यू 24 / 2, 12 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। और वहीं पे आपको इन रेडियस सर्कम रेडियस निकालना होगा, तो ये क्या आएगा, ये होता है आपका एच बाई टू सिंपली 30 सेंटीमीटर, अगर ये दिया होता तो आप कंफ्यूज हो जाते। आगे चलते, अ वेसल ऑफ 80 लीटर्स कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क इज 25% ऑफ द टोटल मिक्सचर एंड द रेस्ट इज वाटर, इफ 12 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड इन द मिक्सचर देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ द मिल्क राउंडेड ऑफ टू द 2 डेसिमल प्लेसेस। 80 लीटर्स का मिक्सचर है जिसमें 1/4 जो है वो मिल्क है, यानी 20 लीटर्स मिल्क है, ठीक है, और रेस्ट इज वाटर, यानी 60 लीटर्स आपका वाटर हो गया। अब इसमें 12 लीटर्स ऑफ वाटर डालें, यानी वाटर की क्वांटिटी 12 ऐड करने पे 72 लीटर्स हो जाती है, ठीक है, न्यू वाटर। तो परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ मिल्क कितना आएगा, ये आपका आएगा 20 / 12 और ऐड हो गया 92 × 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 5s are 20, 4 2s are 8, 4 3s are 12, दैट इज 500 / 23, 23 2s are 46, 40 23 1s are 23, ये आपका बचा 17, 170, 170 / 23 विल गिव यू 7 पॉइंट में 3, ठीक है, 9 समथिंग आएगा, तो 21.74 विल बी योर आंसर बी। आगे चलते हैं, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, बी एंड सी कैन डू इट इन 10 डेज,
एंड सी एंड ए कैन डू इट इन 15 डेज. देन फाइंड द टाइम टेकन बाई दी ए अलोन टू कम्प्लीट द वर्क. इनकी एफिशियंसीज निकाल लेते हैं. ये आएगा 5 × 3 × 4 3 6 and 4. Therefore, twice of A plus B plus C is equal to आपका 9 + 4 13. तो A plus B plus C की वैल्यू आपकी कितनी आई, यही 13/2. तो देयरफॉर A की एफिशिएंसी कितनी आई, B plus C का आपको 6 दे रखा है, तो A प्लस 6 = 13/2. तो ए की वैल्यू आई, यहाँ पे माइनस 6 करेंगे, 2 6 12, 13 - 12, ए 1/2 की एफिशिएंसी आई. तो डेज कितने लगे ए को काम करने में, ये होंगे 5 × 3 × 4 × 1/2, ऊपर 2 × 2 में चला जाएगा, तो दैट विल गिव यू 3 5 = 15, 4 = 60 × 2, दैट इज 120 डेज विल बी योर आंसर. नेक्स्ट, फाइंड साइन स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर 6 प्लस डैश 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 सो ऑन प्लस साइन स्क्वायर 90. ओके, अब देखिए यहाँ पे 3 3 का गैप है, तो एपीए, ठीक है, एपीए तो हम निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, ये होंगी 90 = ए प्लस एन माइनस 1 × डी, डी 1 यानी 3 का डिफरेंस है, या 87/3 = एन माइनस 1, देयरफॉर 3 2 = 6, 3 9 = 27. तो देयरफॉर एन की वैल्यू आपकी आई 30 टर्म्स हैं, यहाँ पे 30 टर्म्स हैं, ठीक है, जिसमें से एक आपकी साइन स्क्वायर 90 की हो जाएगी जिसकी वैल्यू 1 है, और दूसरी आपकी साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू है जो आपका 1/2 आएगा. तो दो टर्म्स निकल गई, तो यानी टोटल टर्म्स आपको 28 टर्म्स बची हैं जिनका आपको समेशन निकालना है. आपको पता होगा अगर साइन स्क्वायर 3 दे रखा है यहाँ पे, तो कहीं एंड में जाके साइन स्क्वायर 87 होगा, ठीक है, प्लस में, और साइन स्क्वायर 87 को हम और कैसे लिख सकते हैं, हम इसे कॉस स्क्वायर 3 लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर 3 विल गिव यू 1, ठीक है. तो इस हिसाब से आपके 28 टर्म्स बनती हैं, यानी हर दो टर्म्स को मिला के आपका समेशन 1 आ रहा है. तो देयरफॉर 28 टर्म्स का आपका आ रहा है हाफ के समेशन में, सॉरी, ट्वेंटी एट टर्म्स को अगर आप वैसे लिख का समेशन कितना हो गया, इस हिसाब से ये आपका हो गया 14 आ गया, है ना. एंड फिर इसका टोटल सम कितना आएगा, ये आएगा 14 + 1 + 1/2, क्योंकि 28 टर्म्स प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90 इक्वल्स टू 15 + 1/2, दैट इज 15.5 विल बी योर आंसर. इफ द सिंपल इंटरेस्ट of a certain sum for 2.5 years at 8% per annum be 1600, then what will be the compound interest at the same rate for 2 years and for the same sum? Interest बताया हुआ है आपको, principal निकालना है, तो principal कितना आएगा, 2.5 × 8/100, 1600 की value दे रखी है, ठीक है, into P. तो P की value कितनी आई यहाँ से, यही 25 × 8 आपका जाता है 25 × 4 = 100, 100 × 4 = 100 हो गया, तो 100 100 कैंसिल, तो ऊपर सिर्फ 4 बचा, 4/10, ठीक है, तो 4 and 4. कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी मैंने, और फिर से करते हैं, तो 25 × 4 = 100, 4 2, ठीक है, 2 से गया, 2 8 = 16, देयरफॉर प्रिंसिपल आपका आ गया 8000 का. अब हमें बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रेट से 2 साल के लिए, तो 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए कितना होगा, 8 + 8 + 8 = 64/100,
दैट इज 16.64%। ठीक है, अब इसको 8000 से मल्टीप्लाई करना है, 8000 इंटू 1664, तो ये देगा आपको 8 4 32, 3 8 6 48, 51 5, 8 6 48 प्लस 5 53, 8 1 8, 8 प्लस 5 13, 1331.2 विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा। मोड मतलब कि मैक्सिमम टाइम की अकरेंस। ठीक है, देखिए आपको लग रहा होगा ये बहुत स्लो चल रहा है या मेथड्स है, मेथड लंबा नहीं है, समझाने में टाइम लगता है। अगर आप देखोगे तो ये बहुत फटाफट हो रहा है क्वेश्चन, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ सॉल्व करने के पर्पज़ से नहीं, मैं आपको समझाने के पर्पज़ से ये वीडियो बना रही हूँ, तो इस वजह से थोड़ी वीडियो लंबी चली जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको मन कर रहा है तो आप 1.5 की स्पीड पे भी इसको देख सकते हैं, आप जल्दी ख़त्म कर लोगे। तो मोड कितना आया, 11 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, ओके 11 आपका आ रहा है 3 टाइम्स। आप ऑप्शन से देखो कि ऑप्शन में जो वैल्यूज हैं उन्हीं को ही काउंट करो। 12 कितनी बार आ रहा है, 1 2 एंड 3, 12 भी 3 बार आ रहा है। और 13 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 एंड 4, 13 4 बार आ रहा है। 9 तो एक ही बार ही दिख रहा है, तो 9 तो हो ही नहीं सकता, तो 13 विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं, इफ 4x² प्लस 9 प्लस 1/9x² इक्वल्स टू 44/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x³ प्लस 1/27x³। स्क्वायर में दे रखा है, इसको 2x प्लस 9, 3x की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 44/3 प्लस में 2 इंटू में 2/3, तो ये कितना हो गया आपका, ये पूरा अंडर रूट में जाएगा। 2 2 ज़ा 4, दैट इज अंडर रूट 48/3, एंड दिस विल गिव यू अंडर रूट 16 इंटू 3/3, 3 3 कैंसिल, देयर फोर 2x प्लस 3 1/3x की वैल्यू आपकी आई 4। अब 8x³ प्लस 27x³ की वैल्यू निकालनी है, तो ये आएगी आपकी 4³, दैट इज 64 माइनस 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1/3, इसके कोफिशियंट्स जो हैं वो भी ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करके, तो दैट विल गिव यू 3 से 3 कैंसिल, 2 4 ज़ार 8, 64 माइनस 8 विल गिव यू 56 एज योर आंसर। आगे बढ़ते, अ बॉक्स कंटेन्स 300 कार्ड्स ऑन विच नंबर फ्रॉम 0 टू 299 इज रिटन। द कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम, देन वॉट इज द प्रॉबिबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 6। पहले डिविजिबिलिटी बाई 3 निकाल लेते हैं, 299 में कितने नंबर्स आ रहे हैं, 3 9 ज़ार 27, 29, 3 9 ज़ार 27, 99, और 6 से डिविजिबल कितने आ रहे हैं, 299 डिवाइड बाई 6 विल गिव यू 6 4 ज़ार 24, 59, 6 9 ज़ार 54, तो देयर फोर डिविजिबल बाई 3 नॉट बाई 6 के कितने नंबर्स आ गए, 99 माइनस 49 दैट विल गिव यू 50। ठीक है, तो प्रॉबिबिलिटी कितनी आ गई, ये आपकी आ गई 50 50 डिवाइडेड बाय 300, ठीक है, गिव 1/6 एज योर आंसर। आप बताइएगा ये सही किया कि नहीं। आगे चलते, अ सम ऑफ मनी एट अ फिक्स रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 1802 इन 3 ईयर्स एंड टू 18840 जीरो इन 4 ईयर्स, देन फाइंड द सम। एक साल में कितना इंटरेस्ट आ रहा है, 1 ईयर का इंटरेस्ट आपका आया 1800 1880 माइनस 1802 करेंगे तो ये आएगा 8 7, 78 आया एक साल में। ठीक है, तो 3 साल में आपका कितना आएगा, 3 ईयर्स में कितना आ गया आपका, 78 इंटू 3, 3 8 ज़ार 24, 3 7 21, 224 सॉरी 234। ठीक है, और अमाउंट आपको दे रखी है 3 साल की 1802, और सिंपल इंटरेस्ट आपका आपने निकाला है 234, तो देयरफॉर
सम कितना आएगा? ये आएगा अमाउंट माइनस एस आई, 1802 माइनस 234 विल गिव यू 1568 एज योर आंसर। आप बताइए सही किया कि नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। टू रनर्स स्टार्टेड रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक साइमल्टेनियसली विद द स्पीड ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड एंड 12 मीटर पर सेकेंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक सर्कुलर ट्रैक है जिसमें दो लोग चलते हैं, एक यहाँ से चल रहा है 18 मीटर पर सेकेंड से और दूसरी साइड से चल रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, ऑपोजिट है। क्योंकि इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 900 मीटर देन फाइंड द एट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स विल दे क्रॉस ईच अदर। इसका आपने काफ़ी वीडियोस देख भी ली होंगी। इसका सिंपल एक ट्रिक होती है, मेथड है कि रेशियो मेथड। आपको ऑपोजिट स्पीड का दे रखा है तो इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं स्पीड का, दैट इज 18/12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 6 2 12, 6 3 18, 3/2। अब इन जो रेशियो का है उसका अगर हम सम कर लें उन वैल्यूज़ का तो ये आपको देगा 5। तो दैट इज 5 पॉइंट्स जो होंगे आपके टोटल डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे जो एक सर्कुलर ट्रैक पे मिलेगा। आगे चलते। मशीन ए कैन प्रिंट अ बुक इन 24 मिनट्स। मशीन ए कैन प्रिंट अ बुक इन 24 मिनट्स एंड मशीन बी इज 25% लेस एफिशिएंट देन ए। तो यानी अगर देखा जाए तो मशीन बी एक बार 25% लेस एफिशिएंट यानी 1/4, यानी अगर ए 4 यूनिट में काम कर रही है तो बी 3 यूनिट्स काम करती है, ठीक है। ये आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। तो टाइम का रेशियो ऑपोजिट हो जाएगा तो ये रिवर्स होके क्या आएगा, 3:4। तो बी को कितना टाइम लग रहा है? अगर 3 की वैल्यू ए को 24 दे रखी है तो 3 8 24 यानी 8 यूनिट, तो 4 की वैल्यू क्या आएगी, 8 4 32 मिनट्स लगेंगे बी को वही काम करने में, ठीक है। आपको दे रखा है सी के हेल्प से तीनों जो हैं वो 8 मिनट में काम कर लेते हैं, तो टाइम बताना है सी को अलोन कितना कर लगेगा। तो यानी 24 32 एंड सबको 8 मिनट। अब इसकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लेते हैं, ये आएगा 32 × 3, दिस विल गिव यू 4 3 एंड 12, ठीक है। तो सी का कितना आया, यहाँ से आएगा 12 − 4 + 3 7, दैट इज 5 यूनिट्स। तो टाइम टोटल कितना आ गया सी का, 32 × 3/5, दैट विल गिव यू 96/5, 5 1 = 5, 5 9 = 45, 5 2 = 10 मिनट्स विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। एवरेज एज ऑफ अमन, अजय एंड कोमल एंड प्रज्ञा इज 21 ईयर्स। तो इन चारों की एवरेज एज नहीं है, तो टोटल सम कितना आया उसका, इंटू 4 करेंगे, 84 ईयर्स, ठीक है। और कोमल की एज आपको दे रखी है 24 साल। देन वॉट इज द एवरेज एज ऑफ अमन, अजय एंड प्रज्ञा, इसमें से 24 घटा देते हैं तो ये आया 60 ईयर्स, और इसका एवरेज निकालेंगे डिवाइड बाई 3, दैट विल गिव यू 20 ईयर्स एज योर आंसर। नेक्स्ट, 2 sin A + cos A इंटू में 2 sin A / 1 − cot A प्लस 2 cos A / 1/10A − 10A की वैल्यू क्या होगी? ओके ओके, आएगा 2 upon S + C ब्रैकेट में 2S upon 1 − C/S प्लस 2C/1 − S/C। तो 2 by S + C विल गिव यू 2S upon S − C, ऊपर S चला जाएगा S² प्लस 2C upon C − S, ऊपर C चला जाएगा C². अब यहाँ पे अगर हम माइनस कर दे रिवर्स तो नीचे भी यहाँ पे S − C बचेगा, तो दैट इज 2 upon S + C इंटू में आपका आया 2S² − 2C² / S − C, ठीक है। नीचे आप देखोगे S + C × S − C क्या देगा, ये देगा आपको S² − C², दैट इज 2 2 = 4, S² − C² / S² − C², 4 विल बी योर आंसर। अगेन,
इफ अ सिक्स डिजिट नंबर 9XYZ67 इज डिविजिबल बाय 7, 11 एंड 13 देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। आपको पता होगा अगर ये डिविजिबल होता है तो ये रिपीटेटिव होता है, ABC ABC ऐसे नंबर बनता है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आई अगर इनको हम कंपेयर करें तो x की वैल्यू 6 आई, y की वैल्यू 7 आई और z की वैल्यू आपकी 9 आई। इसका एवरेज निकालना है, एवरेज निकाल लेते हैं। 22 डिवाइडेड बाय 3, 7 प्लस 9 प्लस 6 विल गिव यू 22 डिवाइड बाय 3, दैट विल गिव यू 7:1/3 विल बी योर आंसर बी। आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू निकालनी है, बॉड मास का रूल लगाएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। 7 1 7, 7 2 14, 7 5 35, फिर 5 से जाएगा, 5 2 10, 5 5 25। ठीक है, यह आया 25 प्लस 25 × 99 करेंगे तो सिंपली आप ये भी कर सकते हो 25 × 100 यहाँ से। ठीक है, 25 × 100 आ गए यहाँ पे, प्लस 50 क्योंकि यहाँ पे 25 आया और यहाँ पे 99 of 25 लिखा हुआ है तो एक ही बात है। तो ये आया आपका पूरा ब्रैकेट 2500 प्लस 50 विल गिव यू 2550। ठीक है, इसमें ऐड करना है आपको 25 × 12, 25 2 50 5 एंड 25 1 25 प्लस 30, तो ये आपको देगा 2850 एज योर आंसर। आगे चलते हैं, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 72 एंड 54। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है, ये 9 से जाएगा 8, ये 6, ये 3, 2 से गया ये 4, फिर से ये 2 से गया 4 2 14। तो x की वैल्यू आपकी आई 27 × 3 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल गिव यू 3 7 21, 2 2 6 7 8 डिवाइड बाई 2, दैट इज 40.5 विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं, द रेडियस ऑफ द टू सर्कल्स इज 15 cm and 5 cm। ठीक है, ये R1 और R2 दे रखा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज 26 cm। डी की वैल्यू आपको दे रखी है 26 cm, तो आपको कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है। डी सी टी की वैल्यू क्या होती है, ये होती है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, तो ये आपको देगा अंडर रूट 26 का स्क्वायर माइनस 15 − 5 दैट इज 10 का स्क्वायर। तो ये आया आपका 676 − 100 दैट विल गिव यू 576 रूट में, दैट इज 24 cm विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं, द सर्फेस एरिया ऑफ द थ्री एडजेसेंट फेसेज ऑफ द क्यूबॉइड आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हैविंग अ साइड लेंथ न्यूमेरिकली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। एल बी की वैल्यू आपको ए दे रखी है, बी एच की वैल्यू आपको बी दे रखी है एंड एच एल की वैल्यू आपको सी दे रखी है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब जिसकी ए साइड लेंथ है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो वॉल्यूम है क्यूबॉइड के बराबर। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है एल बी एच इक्वल्स टू आपको ए क्यूब दे रखा है, तो ए क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी ए इंटू बी इंटू सी का अंडर रूट। क्यों, क्योंकि एल बी एच का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, इसका रूट लेके ही आपका आंसर आ जाएगा, तो दैट इज ए इंटू बी इंटू सी का रूट 1/2। आगे, राधा एंड सीता स्टार्टेड अ बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000 and 80,000 रिस्पेक्टिवली and after 1 year Sita left the business and at the same time Meena joins with 50,000. Then if at the end of 3 years the total profit earned by them is itna, then what is the average profit earned by Radha and Meena? Profits ka ratio nikal lete, 3 saal ka hai, 4 0 4 0 sab mein common hai, to sirf 6 le lete, 6 × 3 = 8 × 1 एंड मीना का होगा
5 × में 2, ठीक है। तो ये आपका रेशियो आया 18:8:10 का। आगे बोल रहे रेशियो जो टोटल प्रॉफिट 36,000 है, तो एवरेज राधा और मीना का निकालना है, राधा और मीना का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो 36,000 में से राधा और मीना का कितना प्रॉफिट है, यह है 28/36, दैट इज 28,000 का प्रॉफिट है इनका, ठीक है, राधा और मीना का। और इसका एवरेज निकालेंगे तो डिवाइड बाय 2, दैट इज 14,000 विल बी योर आंसर। आगे चलते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन व्हाट इज द वॉल्यूम। 322/7 आर स्क्वायर की वैल्यू आपको 462 दे रखी है, आपको 2/3 πr³ की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22 2s are 44, 22 1s are 22, 3 7s are 21, therefore आर की वैल्यू आपकी आई 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम तो देखो, पहले आप शॉर्ट मेथड अगर जो भी है ये सब मैं बताना नहीं चाहती, मतलब आपको सबको ही पता होगा कि 11 का मल्टीपल फाइंड आउट करना होता है, ये नहीं बन रहा, 7 10 नहीं, ये भी नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, 7 गए, अगर ये पूरा ये गया 8 और 7 कितना हो रहा है, ये आपका हो रहा है, एक सेकेंड, ये बन रहा है क्या, 7 अगर ये आपका 7 कैंसिल हो गया तो कोई भी नहीं बन रहा है, चलिए इसको वैसे ही कर लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3 πr³, 7 × 7 × 7, ऐसे बनना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं बन रहा है। कुछ गलती कर दी है क्या हमने, नहीं हम सही कर रहे हैं। तो ये आएगा 2/3 πr³, 7 6 7 कैंसिल हो गया, ये आपको देगा 7 7 49 × 4 × 11 डिवाइडेड बाय 3, 49 × 4 आपका होता है 4 9s are 36, 3 4 4s are 16, 196 × 11 डिवाइड बाय 3, दैट विल गिव यू 6 5 1 2 डिवाइडेड बाय 3 विच विल गिव यू 3 7s are 21, 3 1s are 3, 26, 3 8s are 24, 20 3 6s are 18, 20 6s are 18 एंड सो ऑन। तो 718.66 cm³ विल बी योर आंसर, तो डी विल बी योर आंसर। तो यही थे हमारे आज के ऑलिव बोर्ड के क्वांट के सारे क्वेश्चंस। ये मॉक थोड़ा कंपैरेटिवली अच्छा था, अल से लेवल था, ये सीजीएल मेंस में आप ऐसा लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड सारे इन्होंने पॉइंट्स भी ऑलमोस्ट टच कर लिए हैं टॉपिक्स के। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और अगर आप नए हैं और ऐसे ही आपको कॉन्टेंट चाहिए तो एग्ज़ाम जर्नल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।